अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास आता है AS5। हम लोगों ने अभी तक हमेशा क्या पढ़ा है एक्रूअल सिस्टम में, कि एनी एक्सपेंस और एनी इनकम रिलेटेड टू द करंट ईयर शुड बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स, ठीक है ना, हमने ये पढ़ा है। इन आवर बुक्स का मतलब क्या हुआ कि वेदर वी रिसीव्ड और नॉट, वेदर वी पेड और नॉट, इफ दैट इज रिलेटेड टू करंट ईयर दैट शुड बी रिकॉर्डेड, यही तो बात हो रही है। लेकिन कई बार ऐसे भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जब वो हमारे करंट ईयर से रिलेट करती हैं, लेकिन हम उन्हें या तो इग्नोर कर देते हैं या वो होते ही बाद में है, मतलब हमारे फाइनल अकाउंट्स बन गया, सब कुछ बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी निकल गया, लेकिन वो बाद में हो रही है कुछ ट्रांजेक्शन्स। तो ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, उसके बाद हमारी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या कोई एस्टिमेट या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ ऐसी आ गई, उसकी वजह से हमें जो उस करंट ईयर से रिलेट करती है जिसके अकाउंट्स हम बना चुके हैं, तो हम उन्हें कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी इस तरह की आइटम यहाँ पर आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ आइटम्स तो हमारी ऑर्डिनरी भी हो सकती हैं और कुछ आइटम हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती हैं। तो जब हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम पहले तो आइटम्स को रिकग्नाइज करें कि हमारी आइटम्स कौन कौन सी हैं। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कि हमारे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नेट प्रॉफिट से रिलेट कर रही हैं, कुछ आइटम्स हमारी ऐसी हैं जो हमारी प्रायर पीरियड मतलब है उसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड लेकिन तब इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तब एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाते समय भी ये आइटम्स नहीं आई। कुछ हमारे एस्टिमेट्स में चेंज हो सकता है या हमारी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज भी हो सकती हैं। तो ये हमारे पास मेजर 4 आइटम्स हैं जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में रिकग्नाइज करनी है, ठीक है। जब हम इन कंपोनेंट्स की बात करते हैं नेट प्रॉफिट के, तो कुछ हमारी होती हैं जो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, या हम कह सकते हैं एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज हैं या फिर कुछ हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब हमें इनमें एक-एक आइटम के बारे में स्टडी करना है कि आखिर ये आइटम होती क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम्स, अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं, नॉर्मली ऑर्डिनरी आइटम्स वो होती हैं जो कि हम नॉर्मल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, लेकिन कई बार ये आइटम्स जैसे कि इधर रिटन डाउन वैल्यू टू राइट डाउन द इन्वेंट्रीज टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू और रिवर्सल ऑफ सच राइट डाउन, अगर हमने किसी भी तरह का कुछ इन्वेंट्रीज को राइट डाउन किया है और वो हमने इंक्लूड नहीं किया, या हमने कुछ रीस्ट्रक्चर किया है और रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट के लिए जो भी प्रोविजन बनाया था उसको रिवर्स करना है बिकॉज नाउ दैट इज नो मोर रिक्वायर्ड, अगर हमने कोई भी फिक्स असेट्स या कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट या उनसे कोई भी लॉस हुआ है, तो ये देखा जाए तो हमारी कोर एक्टिविटीज नहीं है, ये हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये हमारी मेन एक्टिविटीज से रिलेट तो कर ही रहा है ना, ये हमारी बिजनेस से रिलेट तो कर ही रहा है और ऑर्डिनरी है। वी फ्रीक्वेंटली डू अवर चेंज इन फिक्स असेट्स, तो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स असेट्स और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कोई हमारा किसी भी तरह का प्रोविजन, सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, कोई भी प्रोविजन को हमने रिवर्स किया है
किसी भी तरह का लिटिगेशन सेटलमेंट हुआ है, कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव चेंजेस आए हैं जो कि हमारे पुराने किसी डेट से आ रहे हैं, तो ये सब हमारे प्रॉफिट या लॉस होंगे, ऑर्डिनरी आइटम्स हैं एंड दे नीड टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट्स। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जो भी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं? ऐसी कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस जो हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से डिफरेंट होती हैं, जो फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली नहीं होती। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी हैं हमारी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होती हैं जो हमारी रेगुलर नहीं होती हैं, इररेगुलर, जो हमारी नॉन रिकरिंग है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंटली नॉट फ्रीक्वेंटली अकर्ड। वो आइटम्स हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं। तो इस तरह की आइटम्स को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि कुछ भी करके इनका इम्पैक्ट तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे आ ही रहा है ना। जैसे कि अगर अर्थक्वेक आ गया या अभी कोविड आया था, तो कोविड की वजह से हम लोगों के बिजनेस पे इम्पैक्ट तो आया ही है। अगर किसी को बहुत नुकसान हुआ है तो किसी को गेन भी हुआ है, तो जिसको नुकसान हुआ है उसको अपने लॉस को इनकॉर्पोरेट तो करना ही पड़ेगा ना, एबनॉर्मल तो रहा ही है सब कुछ, ठीक है ना। कोई भी प्रॉपर्टी से अटैचमेंट है, हमारी कोई भी प्रॉपर्टी से हमने कोई लोन अटैच किया हुआ है, या कोई गवर्नमेंट ग्रांट थी जो रिफंडेबल हो गई, नॉर्मली गवर्नमेंट ग्रांट्स रिफंडेबल नहीं होती लेकिन यहाँ पे रिफंडेबल हो गई, या हमें रेगुलरली गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही थी और एकदम से उन्होंने अपनी सपोर्ट हटा लिया कि भाई ये सब्सिडीज अब आपको नहीं मिलेंगी, तो एकदम से आपकी कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है ना। या आपको किसी भी तरह की गवर्नमेंट ग्रांट जो रिसीव होनी थी एज कॉम्पनसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस इन द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, जो कि अब मना हो गई, तो इस तरह की जो भी आइटम्स होती हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं एंड वी नीड टू इनकॉर्पोरेट इट। थर्ड तरह की आइटम हमने पढ़ी थी प्रायर पीरियड आइटम्स। एक एम्प्लॉय है, वो चला गया मान लो 10 महीने की पेड लीव पर, चला गया वो, तो अब 10 महीने बाद वो वापिस आया, 10 महीने बाद वापिस आया तो उसको पूरी 10 महीने की सैलरी मिल गई। लेकिन अब हुआ क्या, हो सकता है जब वो गया हो उसकी सैलरी सपोज पर मंथ 20,000 थी और वो छुट्टियों पे गया सपोज फर्स्ट जुलाई से, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च, 9 मंथ्स तो यहाँ हो गए, और उसके बाद 1 मंथ यहाँ हो गया जो कि 1st 30th अप्रैल को हो रहा है, यानी कि हमने उसे जब उसने मई में ज्वाइन किया उसके बाद हमने उसे इस 10 महीने की सैलरी दी है। तो ऐसे में हमारे लिए जो सैलरी एक्सपेंस हो रहा है करंट ईयर का, और कुछ एक्सपेंस ऐसा है जो कि प्रायर पीरियड का है, जो कि प्रीवियस ईयर का है, मतलब 9 मंथ्स की सैलरी तो यहाँ चार्ज होगी, 1 मंथ की सैलरी, सॉरी 1 मंथ की सैलरी यहाँ चार्ज होगी और 9 मंथ की सैलरी यहाँ चार्ज होगी, तो 20,000 हम यहाँ चार्ज करेंगे और 1,80,000 यहाँ चार्ज करेंगे, बैंक से पूरा गया 2 लाख, ठीक है, बैंक से पूरा 2 लाख जा रहा है। तो अब हमारे साथ क्या होगा,
ये वाले पीरियड तो हमारा पिछले साल का है ना, तो हमें कायदे से इसको तो इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, पिछले साल के प्रॉफिट्स में से एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। जब हम अगले साल का प्रॉफिट्स बनाएंगे तब हमें पता चल रहा है कि ये तो पिछले साल की सैलरी थी, हमें उसकी सर्विसेज नहीं मिली, बट ये सैलरी दी तो हम पिछले साल के ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके और भी हमारे पास ऐसे आइटम्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऑपरेशनल लीज है जिसमें हमने फाइनेंस लीज है, कोई इस तरह की लीज, या हमारे कोई भी वर्किंग कैपिटल जो कि रिलीज होती है या एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लग रही है। ठीक है, हमारा कोई ट्रैवलिंग अलाउंस है जो पहले गया था और हमें लग रहा था कि हम वो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देंगे, लेकिन अब हमें वो ट्रैवलिंग अलाउंस देना पड़ गया। ठीक है, या हमने डेप्रिसिएशन बाद में हमें समझ में आ रहा है कि ओहो हमने तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही गलत लगा दिया। तो ये सब चीज़ें वो होती हैं जो कि उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट कर रही हैं जिसके अकाउंट्स हम बना चुके हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमने बात करी कि हमारे जो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं, एक हमने बात की है कि एक तो हमारे होते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, ठीक है, और एक हमारे पास होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब इन दोनों में डिफरेंस तो होता ही है, ये तो सबको ही पता है ना कि इनमें हमारा डिफरेंस होता ही है, अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टीमेट्स में। अब होता क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टीमेट्स में डिफरेंस क्या रहा कि एस्टीमेट तो हमने कहा कि कोई भी लायबिलिटी के लिए प्रोविजन कैलकुलेट करना, इनकम टैक्स प्रोविजन कैलकुलेट करना, फिक्स्ड असेट्स यानी कि चाहे टैक्स प्रोविजन हो या कोई भी कॉम्पनसेशन का प्रोविजन हो, या हमने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाया, या हमने डेप्रिसिएट करने के लिए कोई एस्टिमेटेड लाइफ को दिया, ये सब हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। ठीक है, किसी भी फिक्स असेट की वैल्यू को री एस्टिमेट किया, री एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स ये हुआ, या हो सकता है हमने किसी, भाई री एस्टिमेशन का मतलब क्या हुआ, हमने एक असेट की वैल्यू 10 साल लगाई, अब हमें पता चल रहा है कि अरे नहीं हमने तो कुछ गलत लगा लिया, इसकी लाइफ तो 15 साल है जी। ठीक है, हमने जो बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाया, हमारे एक्चुअल बैड डेब्ट्स उससे ज़्यादा हो गए या उससे कम हो गए। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात आते हैं, तो जैसे ही पॉलिसी वर्ड आ जाता है हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, हम लॉ की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि हमने जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी क्या हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, क्या ऐसा है कि जो भी हमारा लॉ ने, जो भी कंपनीज एक्ट ने हमें बोला है कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, क्या हमने वो सब रूल्स फॉलो किए हैं। तो अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज नहीं की है, तो वो सब हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज में आता है। तो कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट से कंफ्यूज मत होना। जैसे ही जैसे बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स के लिए तो अकाउंट बोला ही नहीं ना उन्होंने कुछ, कि कितना परसेंट प्रोविजन बनाओ, लेकिन उन्होंने ये तो बोला है ना कि कौन सी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, अगर अकाउंटिंग मेथड चेंज हो रहा है तो उसको आपने प्रॉपरली चेंज करना है, ये तो उन्होंने बताया है ना कि अकाउंटिंग मेथड चेंज करेंगे तो आप प्रॉपरली डिस्क्लोज करेंगे। तो ये सब बातें हमारी पॉलिसीज में आती हैं। ओके, अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, सारी आइटम्स को एक्चुअल बैड डेब्ट्स, क्योंकि आप लोगों को मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई तो अब ये कन्फ्यूजन हो जाती है कौन सी आइटम कहाँ ले। तो अगर एक्चुअल बैड डेब्ट्स टर्निंग आउट टू बी मोर देन प्रोविजन तो वह एस्टिमेट में चेंज हो गया, लेकिन अगर चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवेल्युएशन मॉडल, अगर कोई पीपीई है जिसका हमने मॉडल ही चेंज किया, तो अब क्योंकि हम यहाँ पे मॉडल चेंज कर रहे हैं तो ये पॉलिसी में चेंज हो गया। कोई गवर्नमेंट ग्रांट थी जो हमें मिलनी थी वो नहीं मिली, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम में आ गया। अगर हमने ऑपरेशनल लीज को फाइनेंशियल लीज की तरह से ट्रीट किया, ट्रीटिंग ऑपरेशनल लीज एज फाइनेंस लीज, तो प्रायर पीरियड, क्योंकि अभी तक वो ऑपरेशनल लीज चल रही थी अब वो फाइनेंशियल लीज में आ गई। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये भी हमारे प्रायर पीरियड आइटम में आ गई, क्योंकि अब हमने जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल थी उसकी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया। कोई
कोई भी लेजिस्लेटिव चेंज आया रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से, तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो गई। मेथड ऑफ चेंज एस्टिमेट, क्योंकि अब हम मेथड चेंज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट बिकमिंग रिफंडेबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं तो वो प्रायर पीरियड आइटम में आया, समझे। अगर आपने मेथड चेंज किया तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज हुआ, लेकिन अगर आपने मेथड नहीं रेट चेंज किया तो प्रायर पीरियड में आ गया। अगर हमने यूजफुल लाइफ तो एस्टिमेट में आ गया, क्यों, क्योंकि हमने पहले यूजफुल लाइफ रखी 10 साल, अब हमारी यूजफुल लाइफ 10 से 15 हो गई या 10 से 8 साल हो गई, तो कुछ भी करके चेंज हो रही है ना लाइफ, तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में आया, ठीक है। तो इस तरह से इन बेसिस पे हम ये कैटेगराइज करते हैं कि किस तरह की ट्रांजेक्शन को, किस तरह की आइटम को हम कौन से हेड में डालेंगे, ठीक है।